नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। ये एक गेम है जो 8 चाल में फिनिश हो गया। सफेद ने जीता है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैक जो खिलाड़ी है उसका रेटिंग 2420 दिखा है यहाँ पे। तो कैसे गेम हो गए देखते हैं। d4 और f5 इसने खेला, मतलब डच ओपनिंग, स्टैंडर्ड डच ओपनिंग है। तो इसने बिशप g5 पे लिया, h6 लेके बिशप को थ्रेट दी, बिशप f4 पे लिया। अब इसके पास दो मूव्स थी, जो रेड कलर की जो है उसने की और करनी चाहिए थी Nf6, लेकिन गलत मूव करी इसने, g5 खेला। तो g5 मतलब बिशप को थ्रेट दिया। खेल के शुरू में एक लोग ये हम सीखते हैं कि पॉन की ज़्यादा मूवमेंट शुरू में नहीं करनी चाहिए ओपनिंग में। इसका इसने उल्लंघन किया है। अभी यहाँ पे सफेद को भी दो मूव थी कि बिशप को बचाना या ये जो पॉन है ये ऊपर ले लेना e4 के ऊपर। पॉन ऊपर लेने से क्या होता है कि क्वीन को ये डायगोनल खाली हो जाता है, और क्वीन अगर h5 पे आती है तो मेट ही हो जाता है, क्योंकि ब्लैक ने क्या किया कि अपने किंग के लिए भगदड़ नहीं रखी, पलायन का रास्ता नहीं रखा, एस्केप नहीं रखा। तो ये खेलता तो अच्छा रहता, लेकिन इसने बिशप खेला है। तो ब्लैक के मन में और एक प्रलोभन आ गया कि अगर f4 खेलता है तो बिशप ट्रैप हो जाता है। खेलना चाहिए था फिर से Nf6 ही खेलना चाहिए था। f4 खेला, बिशप को ट्रैप किया, लेकिन ये भी बहुत गलत मूव हो गई उसकी। इसने क्या किया, बिशप तो बच नहीं सकता है, लेकिन e3 खेला। e3 खेलने से इसने क्वीन के लिए सफेद डायगोनल ओपन किया, और क्वीन अगर h5 पे आती है तो चेकमेट होता है। तो इसे चेकमेट बचाने के लिए इसको समझ में आया, तो बचाने के लिए इसने क्या खेला, इसने खेला h5, ताकि अगर क्वीन h5 को मारती है तो नीचे रुक है। तो सफेद ने दूसरी चाल चली, बिशप टू d3 लिया। अब बिशप अगर g6 के ऊपर जाता है तो चेकमेट हो जाता है। तो इसने खेला रुक टू h6, ये सोच के खेला कि अगर बिशप g6 पे आता है तो रुक से उसको मार देगा। एक्चुअली इसने खेलना चाहिए था ये ब्लैक जो दिखा है d6 खेलना चाहिए था, और किंग को यहाँ से एस्केप के लिए जगह रखनी चाहिए थी, वो इसने नहीं किया। तो रुक h6 के ऊपर इसने लिया, एकदम गलत मूव। तो इसने क्वीन क्रॉस h5 कर दिया, क्वीन सैक्रिफाइस कर दी। चेक भी, चेक निकालने के लिए इसको रुक से क्वीन को मारने के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। रुक क्रॉस h5 किया, और अभी एक मूव में मेट हो जाती है, बिशप टू g6 एंड चेकमेट। इससे 8 मूव के अंदर में ये मेट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।